जी तो क्या हाल चाल है आप सभी के, एक और नई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 0150 दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस से। बहुत नाम सुने हैं भैया कि बहुत स्पीड चलती है, बहुत स्पीड चलती है। तो आज इस ट्रेन से जर्नी करेंगे और हमारी जर्नी होगी दानापुर से मैहर तक का। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना रफ्तार है दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। तो शुरू हो जाइए, गाड़ी का अलाउंस हो रहा है। हमारा कोच है S2 और सीट नंबर 29 और 30। जी हाँ, तो चलिए इस ट्रेन को खुलने दीजिए, एक जानकारी भी देंगे और अच्छी सी जर्नी आपको तो कराते ही हैं। और 71% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं भैया, तो काहे नाराज हैं, कर दीजिए, तनी दबा दीजिए, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको, देर नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक ना। और अभी तक आपने पटना सहरसा का ब्लॉग नहीं देखा है, अभी तक आपने अगर RJP से हावड़ा का ब्लॉग नहीं देखा है तो काहे देर कर रहे हैं। सब दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए जल्दी देखिए। 21:50 खुलती है, फिर आपको इसका ब्लॉग आपको हम करवाते हैं। रात है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे, पर जहाँ तक होगा उतना कवर करेंगे, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। अपनी ट्रेन दानापुर से रवाना हो चुकी है, ट्रेन नंबर 0150 दानापुर पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि दानापुर से पुणे के बीच में टाइम लेती है 30 घंटा 35 मिनट, और इसके कुल 20 स्टॉपेज हैं दानापुर से पुणे तक में। और ये डिस्टेंस कवर करती है दानापुर से पुणे के बीच में 1754 किलोमीटर, और इसका एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर, और इसे सेंट्रल रेलवे डिवीज़न ऑपरेट करती है। और ये डेली चलने वाली ट्रेन है। इसके कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार हैं, सेकंड एसी के दो कोच जिसका किराया है 2725 रुपये, थर्ड एसी के 6 कोच जिसका भाड़ा है 1895 रुपये, और स्लीपर के 10 कोच जिसका भाड़ा है 725 रुपये, और जनरल जो कि अब सेकेंड सीटिंग के नाम से चल रही है कोविड में, जिसके 5 कोच हैं जिसका भाड़ा है 440 रुपये। और हाँ, इसमें आपको पेंट्री कार अवेलेबल है, मतलब कि आप पेंट्री से खाना लेकर के आप खा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, उसका भाड़ा आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो टिकट में इंक्लूड नहीं है। बाय बाय दानापुर, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम अपने बर्थ पे जा करके सो गए हैं और सीधे आपसे मुलाकात करेंगे आराम में। जी हाँ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं तो रात में ट्रेन में ब्लॉगिंग नहीं करिए, क्योंकि RPF अगर देखेगा तो कुछ बोल सकता है। चलिए सीधे मिलते हैं आपसे आरा में। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड ARA, और यहाँ से 11 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 11 ट्रेनें यहीं पर आकर के टर्मिनेट, और यहाँ से 230 ट्रेन डेली यहाँ पर आकर के रुकती हैं, और यहाँ से डेली 1,75,000 लोग जो हैं यहाँ से ट्रेवल करते हैं। तो आरा से अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है और सीधे हम आपसे मिलेंगे इलाहाबाद छेवकी में। और चलते चलते आपको एक गीत सुना देते हैं। हई भजपुरिया पाठा हो, पीले दूध दही माठा हो, अब बढ़ चढ़ के जनी बोलना त बाची छोरा दे हम बाथा हो, तोरा भाई के डर नहीं बाप के फिकर बा, आरा जिला घर बा त कवन बात के डर बा, आरा जिला घर बा त कवन बात के डर बा। बाय बाय आरा सीधे। तो गाना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है, इसलिए रात का सीन तो आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि दिखाएंगे भी तो कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सीधा आपसे मिलते हैं इलाहाबाद छेवकी में।
मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब प्रयागराज छेवकी जंक्शन, जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड है PCOI। यहाँ पर इस ट्रेन का 4:55 का टाइम था, पर ट्रेन जो है 1 घंटे से भी ऊपर लेट आई है, मतलब कि 6:30 बजे के आसपास की ट्रेन आई है, तो अपनी ट्रेन लगभग अब लेट हो चुकी है। और देखते हैं कि सतना कितने समय में हमें पहुँचा देती है। चलिए इस स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, याकी का स्टेशन कैसा है। प्रयागराज छेवकी जंक्शन, जिसका पहले का नाम था इलाहाबाद छेवकी जंक्शन, अभी से प्रयागराज छेवकी जंक्शन नाम दे दिया गया। अगर मैं बात करूं यहां से ट्रेनें ओरिजिनेट होने की, तो यहां से 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 2 टर्मिनेट, और ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और इसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करती है। और यहाँ पर डे 173 ट्रेन हॉल्ट करती हैं प्रयागराज छेवकी जंक्शन पर। अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ प्रमुख गाड़ियों के स्टॉपेज के बारे में, तो इस जिसमें से नाम है, पहला है बागमती एक्सप्रेस, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, संगमित्रा एक्सप्रेस, और जिससे मैं सफ़र कर रहा हूं दानापुर पुणे एक्सप्रेस। अगर मैं बात करूं यहां से जो है किस किस रूट के ट्रेन जाती हैं, तो मानिकपुर जबलपुर इटारसी, मानिकपुर झांसी ग्वालियर, मानिकपुर झांसी ग्वालियर, मानिकपुर कटनी भोपाल इंदौर, मानिकपुर नागपुर गोंदिया सिकंदराबाद यशवंतपुर, जो रूट है वो सारी गाड़ियां जो हैं इसी रूट से होकर के मतलब कि जाएंगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अगर कहीं पर कुछ कमी लगी तो आप हमें कमेंट में कमेंट करिएगा, अगली जर्नी में मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा। हमारे बगल में कौन सी ट्रेन आई है मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे बगल में आई है महानगरी एक्सप्रेस, जी हाँ, जो कि वाराणसी से लोकमान्य तिलक के बीच में चलती है। महानगरी एक्सप्रेस प्रयागराज छेवकी आ चुकी है और ये ट्रेन काफ़ी ऑन टाइम चल रही है, लेकिन अपनी ट्रेन तो मैंने आपको बताया ही कि काफ़ी लेट चल रही है। तो चलिए ट्रेन खुलने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। और मतलब कि पुणे जाने के लिए आपको ये ट्रेन काफ़ी बेस्ट ट्रेन है, दानापुर पुणे एक्सप्रेस, और सामने आप देख सकते हैं महानगरी एक्सप्रेस। जो लोग वाराणसी के हैं उनके लिए महानगरी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन है। और हमारी ट्रेन जो है प्रयागराज छेवकी से रवाना हो चुकी है, और हमारी ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी प्रयागराज छेवकी जंक्शन पर। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें ये ट्रेन जो है सतना जो है कितने टाइम में पहुंचा देती है। जी हाँ, यात्री पर जाने गाड़ी संख्या 0945 सूरत से चलकर छपरा को जाने वाली काशीगंगा स्टेशन गाड़ी प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर सब स्टॉल खुल चुके हैं, आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, सभी कुछ खुल चुका है, लेकिन आपको अभी भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ही करना है। जी हाँ, चलिए अपनी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। बाय बाय प्रयागराज छेवकी। मैं क्या देख रहा हूँ ट्रेन में कि लोग बेवजह फालतू को ट्रेन को जो है चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोक रहे हैं, तो ऐसा ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि सब लोग कहीं जाने के लिए ही निकले हैं और आप बार बार चैन पुलिंग करते हैं तो ट्रेन हमारी ही लेट होती है, हमारा ही समय बर्बाद होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आई सब बुढ़बकवा के समझावे, ट्रेनवा में बैठे के जगह ना मिली थो बउआ की पटरिया पर बैठे हुए हैं, कहूँ जब हूँ बाकी तुनी के जो सुधरवाहूँ ना माने की एनहूँ तनी देखूँ सब ट्रेन आवे वाला है यार, ये सब जो हथिन पटरी पर बैठ के मस्ती करी थथिन, हट जा बउआ पटरी पर ना बैठा, पटरी पर बैठना खतरनाक है, सगड़ो लिखा रहता है। और जस्ट हमारे बगल से इधर के फोन पे बतिया रहे पागल आदमी, इधर के फोन बगल में क्या जी दम चाहिए के मानोगे, नहीं मानोगे दम है उड़ाती सुपर फास्ट गाड़ी दिया एकदम पास हो। हमारे तो दानापुर पुणे तो लगिए गया, काफ़ी लेट हो गया।
तैयो फोन पे लगले है। वाह वाह क्या बात है, फोन पे ही अच्छी बात है। फिर ट्रेन पास हो चुकी है यहाँ से, और फिर कोई ट्रेन अभी पास हो रही है। बाप रे बाप कितनी ट्रेनें पास होगी। कराओ कराओ खाली गाड़ी पास कराओ, दाना को सुना के वेट करवा। और हमारे बगल से पास हो रही है वही महानगरी एक्सप्रेस जो कि लोकमान्य तिलक से वाराणसी को जा रही है। और अपनी ट्रेन अब पहुंचने वाली है सतना, और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सतना जंक्शन, और बगल में खड़ी है LTT पटना लोकमान्य तिलक कुर्ला पटना एक्सप्रेस। हमारी पहुंच चुकी है सतना जंक्शन और काफ़ी लेट आई है यहां पर, और इसके बाद फिर अपना अगला स्टॉप आएगा अब मैहर। चलिए सीधे आपसे मैहर में मिलते हैं और यहां की एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं सतना रेलवे स्टेशन के बारे में। चलिए सतना रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश का एक काफ़ी बिजिएस्ट स्टेशन है और जिसका स्टेशन कोड है STA, और यहाँ पर रोज़ाना 342 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं सतना रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से 8 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 8 ट्रेनें यहीं पे आकर के टर्मिनेट, और इसे अब ऑपरेट करती है जबलपुर डिवीज़न, और यहाँ पर मात्र 3 प्लेटफॉर्म हैं और इसे बेस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करती है। तो एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर कई सारी गाड़ियों का ठहराव भी है, जैसे कि महानगरी एक्सप्रेस, दानापुर पूना एक्सप्रेस, संगमित्रा एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस, और भी कई तरह के ट्रेनें हैं जिसकी ठहराव यहाँ पर सतना में दी गई है। और अपनी ट्रेन सतना जंक्शन से रवाना हो चुकी है और इसके बाद इसका सीधा स्टॉपेज आएगा मैहर। फाइनल डिस्टिनेशन मैहर रेलवे स्टेशन। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी से प्यार जो करते हैं तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से आपसे किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने दिलीप भाई के साथ यूँ ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें।